सनातन संसार में आपका स्वागत है। सप्त ऋषियों को वैदिक ज्ञान और दर्शन के प्रचार प्रसार का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिव्य प्राणियों के रूप में वे मानव विकास का मार्गदर्शन करने और धर्म कर्म और मोक्ष की गहरी समझ प्रदान करने के लिए निर्माता ब्रह्मा के मन से पैदा हुए थे। प्रत्येक ऋषि की कहानी देवताओं, राक्षसों और राजाओं के साथ आकर्षक मुठभेड़ों, तपस्या के प्रति उनके समर्पण और ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उनके अद्वितीय योगदान से भरी हुई है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। ऋषि अगस्त्य, दक्षिण के गुरु। ऋषि अगस्त्य को विशेष रूप से दक्षिण भारत में सम्मानित किया जाता है और उन्हें इस क्षेत्र के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें पृथ्वी को संतुलित करने का श्रेय दिया जाता है जब उत्तरी गोलार्ध के अत्यधिक भार के कारण दक्षिणी भूभाग डूब रहा था। अगस्त्य वैदिक ज्ञान को दक्षिण में फैलाने में अग्रणी थे और प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ अगत्यम के लेखक के रूप में तमिल भाषा से भी जुड़े हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक विंध्य पर्वतों के साथ उनकी मुठभेड़ से जुड़ी है, जहां उन्होंने अपनी योगिक शक्ति से पहाड़ों को नम्र किया और उनसे तब तक झुकने के लिए कहा जब तक वे वापस नहीं आ जाते। एक यात्रा जो उन्होंने कभी पूरी नहीं की, जिससे विंध्य पर्वतमाला आज तक कम ऊंचाई पर है। ऋषि अत्रि, आध्यात्मिक पिता। अत्रि सबसे सम्मानित वैदिक ऋषियों में से एक को अक्सर उनकी अपार तपस्या और ब्रह्मा विष्णु और शिव की दिव्य त्रिमूर्ति के अवतार ऋषि दत्तात्रेय के पिता होने के लिए याद किया जाता है। अत्रि संहिता उनके ज्ञान का एक संग्रह है, जिसने कई वैदिक अनुष्ठानों, विशेष रूप से यज्ञों, बलिदान से संबंधित अनुष्ठानों को प्रभावित किया है। एक प्रसिद्ध कहानी में अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया, जो अपने पुण्य के लिए प्रसिद्ध थे, की परीक्षा ब्रह्मा विष्णु और शिव देवताओं ने ली, जिन्होंने भिक्षुओं का वेश धारण किया और मांग की कि अनसुया उन्हें नग्न अवस्था में भोजन कराएं। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से अनसुया ने उन्हें शिशुओं में बदल दिया और अपनी विनम्रता को बनाए रखते हुए उनका पालन पोषण किया। ऋषि भारद्वाज, वैदिक विज्ञान के अग्रदूत। ऋषि भारद्वाज वैदिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपने अपार योगदान के लिए अत्यधिक पूजनीय हैं, विशेष रूप से वैमानिकी पर उनके काम के लिए। उनके द्वारा लिखा गया प्राचीन ग्रंथ वैमानिक शास्त्र प्राचीन उड़ान मशीनों विमानों के कामकाज का वर्णन करता है। उनका काम प्राचीन भारत में वायुक्तिकी प्रणोदन और उड़ान के उन्नत ज्ञान पर प्रकाश डालता है। भारद्वाज के ऋग्वेदिक भजन भी मानव मनोविज्ञान और मन शरीर और आत्मा के कामकाज की उनकी गहन समझ को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त वैदिक शिक्षा के प्रति उनका समर्पण महाभारत में पांडवों और कौरवों के मार्शल गुरु द्रोणाचार्य जैसे व्यक्तियों के गुरु के रूप में उनकी भूमिका में देखा जाता है। ऋषि गौतम, अहिंसा की शक्ति। ऋषि गौतम सबसे प्रसिद्ध रूप से अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों से जुड़े हैं, जो सिखाते हैं कि नैतिक जीवन और धर्म के पालन के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। उनकी कहानी उनकी पत्नी अहिल्या से जुड़ी हुई है, जिसे देवताओं के राजा इंद्र के साथ उलझने के कारण पत्थर बनने का श्राप दिया गया था। गौतम की क्षमा की गहरी भावना तब स्पष्ट होती है जब वह अहिल्या को उसकी मासूमियत का एहसास होने पर उसके श्राप से मुक्त करते हैं, यह दिखाते हुए कि आध्यात्मिक शुद्धता दैवीय गलतफहमियों से भी परे है। ऋषि जमदग्नि, परशुराम के पिता। सप्त ऋषियों में एक और प्रमुख व्यक्ति जमदग्नि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक परशुराम के पिता के रूप में जाने जाते हैं। जमदग्नि की जीवन गाथा संयम धर्म और दैवीय प्रतिशोध की शिक्षाओं से भरी हुई है। अपने स्वयं के दुखद अंत के बावजूद पवित्र गाय कामधेनु के विवाद में एक राजा द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, धर्म की रक्षा के लिए परशुराम की दृढ़ प्रतिबद्धता के माध्यम से उनकी बुद्धि जीवित है। जमदग्नि की शिक्षाएं वैराग्य आत्मसंयम और ब्राह्मण के जीवन के उचित आचरण के सार में गहराई से उतरती हैं।
ऋषि वशिष्ठ ऋग्वेद के दृष्टा वशिष्ठ सप्त ऋषियों में सबसे अधिक पूजनीय हैं और उन्हें उनकी अपार आध्यात्मिक शक्ति और सौर वंश सूर्य वंश के शाही पुजारी के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। वे ऋग्वेद में कई भजनों के लेखक हैं और उन्हें अक्सर दिव्य ज्ञान का अवतार माना जाता है। वशिष्ठ के बारे में सबसे आकर्षक कहानियों में से एक सप्त ऋषियों में से एक विश्वामित्र के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता और आध्यात्मिक वर्चस्व को लेकर उनकी लड़ाई से जुड़ी है। संघर्षों के बावजूद वशिष्ठ को अक्सर गहन धैर्य और दिव्य ज्ञान के ऋषि के रूप में दर्शाया जाता है, जो धर्म की खोज में राम जैसे राजाओं का मार्गदर्शन करते थे। ऋषि विश्वामित्र योद्धा ऋषि शायद सप्त ऋषियों में सबसे नाटकीय परिवर्तन विश्वामित्र में देखा जाता है, जिन्होंने क्षत्रिय योद्धा के रूप में जीवन शुरू किया था, लेकिन बाद में गहन तपस्या के बाद ब्रह्मर्षि बन गए। एक राजा से ऋषि बनने का उनका परिवर्तन सांसारिक शक्ति पर आध्यात्मिक खोज की अंतिम जीत का प्रतिनिधित्व करता है। विश्वामित्र को गायत्री मंत्र के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जो हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली और व्यापक रूप से सुनाए जाने वाले मंत्रों में से एक है। ईर्ष्या और अहंकार से प्रेरित वशिष्ठ के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता आत्मज्ञान की खोज में महान ऋषियों द्वारा सामना किए जाने वाले आध्यात्मिक संघर्षों को दर्शाती है। ब्रह्मांडीय चक्रों में सप्त ऋषियों की भूमिका। सप्त ऋषि एक ही समय अवधि तक सीमित नहीं है, वे ब्रह्मांडीय चक्रों मनवंतरों से परे हैं। प्रत्येक चक्र में सात ऋषियों का एक नया समूह दिखाई देता है, जो मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। वर्तमान सप्त ऋषियों कश्यप अत्रि वशिष्ठ विश्वामित्र गौतम जमदग्नि और भारद्वाज के बारे में कहा जाता है कि वे वर्तमान मनवंतर की देखरेख करते हैं। उनकी भूमिकाओं में वैदिक ज्ञान को संरक्षित करना, आध्यात्मिक साधकों का मार्गदर्शन करना और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखना शामिल है। अगले चक्र में सप्त ऋषियों का एक नया समूह दिखाई देगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि ज्ञान पूरे समय बहता रहे। निष्कर्ष: सप्त ऋषियों की कालातीत विरासत। सप्त ऋषियों का योगदान अतुलनीय है। वेदों के माध्यम से प्रसारित और अनगिनत पीढ़ियों से चली आ रही उनकी बुद्धि हिंदू विचार आध्यात्मिकता और संस्कृति को प्रभावित करती रहती है। उनकी कहानियों और शिक्षाओं को समझकर कोई भी वैदिक ज्ञान की गहराई में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है और यह कैसे मानवता को आध्यात्मिक विकास और ब्रह्मांडीय समझ की ओर ले जा सकता है। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि सत्य धर्म और आत्म साक्षात्कार की खोज एक शाश्वत यात्रा है, जो समय स्थान और यहाँ तक की भौतिक दुनिया से भी परे है। मेरे पास कोई शुरुआत नहीं है, नहीं कोई अंत। समय से परे हूँ मैं, हमेशा बंद। मैं स्थिर हूँ, पर फिर भी बदलता जाता। कौन हूँ मैं, बताओ, अगर समझ पाया। मुझे अल्फाटप क्यों पसंद है? अल्फाटप छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटप बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटप मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टप शीट और टप कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटप का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटप ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टप कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटप देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।